हाँ जी तो शुरू करते हैं आगे का फटाफट एंड विल स्टार्ट जस्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट तो यार थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था कि इंडेक्स uh, और ई में क्या डिफरेंस है इंडेक्स फंड्स और फंडीएफ में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा कंफ्यूजन जा रहा है दूसरा एक ये लॉजिक भी समझ में नहीं आ रहा है कि लोग इंडेक्स इन्वेस्टिंग क्यों करते हैं मतलब क्या इंडेक्स इन्वेस्टिंग वाकई इतनी पावरफुल होती है

इंडेक्स फंड्स मैं अगर बोलता हूं आपको तो इट इज ये एक वो कैटेगरी है जहां पर इस समय सबसे ज्यादा एयूएम पाक्ड होता है मतलब क्या होता है ना जब किसी को कुछ भी समझ में नहीं आए ना कि क्या करना है तो पैसा इंडेक्स फंड में लगवा दो उसका वो जीरो नहीं होगा समझ रहे हो आप सब कुछ खत्म हो जाएगा ना तब भी इंडेक्स बचेगा और इंडेक्स वापस नया हाई बनाएगा ये सत्य है जो लोग कोविड के पहले से जिंदा थे ठीक है मतलब डेफिनेटली आप सब जिंदा ही थे आप देखिए क्या हुआ कोविड में मार्च ट्वेंटी में इंडेक्स को क्या हुआ अप्रैल में क्या हुआ उसके बाद एक साल तक क्या एक्सपर्टीज तो expert, नहीं है इंडेक्स में, जो अपने को ये समझाएंगे इंडेक्स इन्वेस्टिंग इज अ गेम चेंजर थिंग फॉर अस सो फर्स्ट इज द जेंटलमैन इज हॉवर्ड मार्क्स ठीक है इनकी बुक मास्टरिंग द मार्केट साइकिल इट्स वेरी वेरी पॉपुलर ठीक है और इनके मेमोज भी आते हैं मेमो मतलब इनके लेटर्स आते हैं जिसको मेमोज बोलते हैं ये आप लो जरूर like लोग जरूर पढ़िएगा दिस इज लाइक अ बाइबल जितनी ईगरली लोग बर्कशायर हाथवे के लेटर्स का वेट करते हैं ना उतनी ईगरली लोग हॉवर्ड मार्क के मेमोज का भी वेट करते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग एंड ही इज वेरी आउट लेट सी वॉट ही इज से अबाउट इंडेक्स इन्वेस्टिंग ठीक है ऑन एवरेज द एवरेज लार्ज स्टॉक फंड मैनेजर प्रोड्यूसर्स एवरेज रिटर्न बिफोर फीस एंड बिलो एवरेज रिटर्न आफ्टर फीस अब ये जो स्टॉक फंड मैनेजर की बात कर रहे हैं ना यहां पर ही सेटॉक फंड मैनेजर ही रेफरिंग टू पी एम एस ठीक है वो बोल रहे हैं कि सामान्यता ऑन ऑन एन एवरेज एक एवरेज फंड मैनेजर जो होता है ना वो टैक्स काटने के पहले या अपनी फीस काटने के पहले बिलो एवरेज एक एवरेज रिटर्न देता है और जैसे ही आप उसकी फीस काट देते हो तो आप देखते हो कि जो एवरेजेस बचते हैं क्योंकि वो थर्टी परसेंट की फीस लेते हैं ना तो जो एवरेजेस बचते हैं वो एवरेजेस बिलो एवरेज रिटर्न है मतलब फॉरवर्ड मार्क सर का बोलना है कि नेट नेट पीएमएस में आपको पैसा बना के नहीं मिल पाएगा लॉन्ग टर्म में ना इट विल इन लॉन्ग रन अगर आप आफ्टर फीस जो पीएमएस का फंड मैनेजर है क्योंकि दे चार्ज अ प्रॉफिट थर्टी परसेंट ऑफ द प्रॉफिट राइट इट इज नॉट यू नो लाइक म्यूचुअल फंड वन परसेंट जीरो पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ एयूएम चार्ज कर रहे हैं अगेन दैट्स अ और इंज आपका कंपेरिजन है बट आगे ये बोलते हैं कि अगर आप आफ्टर फीस रिटर्न को कंपेयर करते हो इंडेक्स के साथ तो यू विल फाइंड दैट इंडेक्स रिटर्न आर सुपीरियर इंडेक्स फंड के जो रिटर्न हैं, दे आर वे बेटर एज कंपेयर टू द पीएमएस रिटर्न्स आफ्टर फीस ठीक है अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सर वॉरेन बफेट इस पे क्या बोलना चाह रहे हैं वॉरेन बफेट सर बोल रहे हैं बाय पीरियोडिकली इन्वेस्टिंग इन एन इंडेक्स फंड मतलब कि एक पीरियोडिकली इन्वेस्टिंग कंसिस्टेंट प्लस लॉन्ग टर्म है ना दिस इज दी दिस इज हिज डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक इन्वेस्टिंग यदि कोई इफ संबडी बाय पीरियोडिकली इन्वेस्टिंग इन एन इंडेक्स फंड द नो नथिंग नो नथिंग इन्वेस्टर नो नथिंग इन्वेस्टर नो नथिंग इन्वेस्टर मतलब लाइक यू एंड मीना अपने जैसे जिनको ज्यादा कुछ पता नहीं होता है कैन एक्चुअली आउट परफॉर्म द मोस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स सी हाउ बोल्ड दिस स्टेटमेंट इज कि एक ऐसा इन्वेस्टर जिसको कुछ भी नहीं पता है अगर वो आंख बंद करके एक एस आई पी लगा दे समझना और वो एस आई पी लगा के रखे पच्चीस साल तीस साल बीस साल तक तो ही विल बीट मेजोरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल जिन्होंने उस टाइम पर एक हैवी फीस लेके आप लोगों को कंसल्टेंसी दी थी इसका मतलब यह है कि दोनों बड़े लोग मोटा माटी तरीके से यही बात करते हैं कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग जो होती है वो सेफ हेवेन होती है आपको एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एज अ म्यूचुअल फंड प्रोफेशनल एज अ म्यूचुअल फंड एंथुजिया एज ए स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस ये समझ में आना चाहिए कि जब कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्लाइंट का पैसा आपको किधर लगाना है तब जो होती है ना वो होता है इंडेक्स कि आप निफ्टी में पैसा पार्क कर दो हालांकि इसके बाद और ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि दिस इज द सेफेस्ट बेट दिस इज द सेफेस्ट बेट अमंगी मार्केट एंड नॉट द सेफेस्ट असेट क्लास पर्सन क्योंकि जो मिनिमम रिस्क इक्विटी मार्केट में है उतनी रिस्क तो मिनिमम होती है ना इंडेक्स में भी भाई स्टॉक की जो रिस्क है वो तो कैरी करेगा ही ना गोल्ड जैसा सेफ थोड़ा ना हो जाएगा और गोल्ड की भी रिस्क होती होंगी तो कोई डेट जैसा सेफ डेट की भी रिस्क होती है तो आपको समझना पड़ेगा एवरी एसेट का क्लास विच इज गिविंग यू अ रिटर्न इज कैरिंग अ रिस्क आई होप यहां तक ये सब लोगों को क्लियर हो गया होगा ठीक है थोड़ा सा समझ लो मैं फाइनल आखिरी बार आप लोगों को ये कंफ्यूजन क्लियर करता हूं सिर्फ अभी इंडेक्स फंड पे ध्यान देना ये जो इंडेक्स फंड होते हैं ना दिस इंडेक्स फंड ये क्या करेंगे ये आपसे फंड कलेक्ट करेंगे और ये उन पचास स्टॉक्स में पैसा लगाएंगे जो निफ्टी फिफ्टी के पचास स्टॉक्स हैं मतलब सुनो आज जैसे थोड़ा लॉजिक समझ लो ठीक है मान लो ऐसा कि पचास का लॉट है निफ्टी का और आज निफ्टी की वैल्यू चल रही है बीस हजार से फॉर एग्जाम्पल फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन बता रहा हूं तो निफ्टी का अगर आपको पूरा का पूरा लॉट खरीदना है ठीक है तो आपको दस लाख रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा अप्रंट मुझे तो कैश में ही खरीदना है तो मतलब यह है कि किसी को भी अगर निफ्टी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर किसी को निफ्टी में करना है तो इसका सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि उसको मिनिमम दस लाख रुपए लेके आने पड़ेंगे मार्केट में तो हर आदमी के पास तो दस लाख है नहीं तो क्या इंडेक्स फंड में सिर्फ वही इन्वेस्ट कर सकता है जिसके पास मिनिमम दस लाख रुपए हो बिल्कुल भी नहीं उसी के लिए इंडेक्स के म्यूचुअल फंड इंडेक्स के म्यूचुअल फंड में क्या होगा किसी के पास अगर सौ रुपया है ना तो वो भी इन्वेस्ट कर देगा पांच सौ रुपए वाला भी इन्वेस्ट कर देगा हजार रुपए वाला भी इन्वेस्ट कर देगा आपको दस करोड़ करना है दस करोड़ भी इन्वेस्ट हो जाएगा अच्छा इसके और एडवांटेजेस क्या होते हैं इंडेक्स फंड्स के इंडेक्स फंड्स में क्या जनरली सामान्यतः क्या एक्सपेंस रेशियो कम होता है क्या तेरे को कोई काम ही नहीं करना है सिर्फ एज इट इज डुप्लीकेशन मार दे खत्म कर इसके अंदर क्या लिक्विडिटी ज्यादा होती है क्या मतलब फंड मैनेजर अगर कल को मान लो ऐसा हो जाता है कि निफ्टी से एक स्टॉक बाहर हुआ और दूसरा स्टॉक अंदर आया समझना और फंड मैनेजर जो स्टॉक बाहर हुआ उसको बेचने की चेष्टा कर रहा है और जो स्टॉक अंदर आया है उसको खरीदने की चेष्टा कर रहा है तो क्या ये ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करना बहुत डिफिकल्ट होगा क्या कि ऐसा हो जाएगा कि वो खरीदने जाएगा लेकिन बेचने वाले नहीं होंगे बिल्कुल नहीं आप समझ रहे हो हम हिंदुस्तान की पचास सबसे बड़ी कंपनीज की, की, की बात करूंगा तो क्या उनके अंदर हेवी लिक्विडिटी अवेलेबल होती है क्या बिल्कुल अवेलेबल होती है ठीक है एक्सपेंस रेशो कम है कोई झंझट नहीं है कभी ये फंड जीरो नहीं हो सकता ठीक है मैं डायरेक्टली इंडिया पे पैसा लगा रहा हूं आई एम बेटिंग ऑन इंडिया ठीक है तो ये फंड इन सब चेष्टा इन सब रीजन से बहुत अट्रैक्टिव बन जाता है समझना ईटीएफ जो है ना वो एक कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में एक फंड नहीं है ईटीएफ का मतलब ये होता है कि जब म्यूचुअल फंड की यूनिट जब यूचुअल म्यूचुअल फंड की यूनिट बाजार में गई बिकने राइट जब ये म्यूचुअल फंड की यूनिट बाजार में गई बिकने समझ रहे हो तो इसको बोला गया ईटीएफ कि तू जो है तू एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है अच्छा ये बाजार में क्यों गई बिकने इसका भी समझना कई लोग हैं जिनको नहीं क्लियर है मेरे को समझ में आता है ना जब मैं पढ़ाता हूं यार कैसी बात कर रहे हो कमेंट्स वमेंट्स तो ठीक तो है वो तो सेकेंडरी है लेकिन मेरे को समझ में आता है कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैंने किस टॉपिक पे एम्फेसिस करें so, बाजार में गई बिकने और क्यों गई सर बाजार में बिकने क्या परेशानी थी अगर म्यूचुअल फंड के पास भी जाके खरीदना बेचना होता तो सामान्यता मतलब जनरली अगर मेरे को एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता है या म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना होता है तो या तो मैं म्यूचुअल फंड हाउस के पास जा सकता हूं या मैं वो एप्स के थ्रू निकाल सकता हूं डाल सकता हूं या मेरा कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होता है जिसके साथ मैं रजिस्टर्ड रहता हूं नाउ द थिंग इज इसमें है ना ट्रांजेक्शन में बहुत डिले होता है तीन दिन का टाइम लगता है टी प्लस थ्री का सेटलमेंट होता है टी मतलब ट्रेड प्लस लिक्विडिटी नहीं मिलती है मुझे पता नहीं होता है कि अभी इस समय कितना भाव चल रहा है जो अपन ने लास्ट सेशन में देखा था एक्चुअल एनएवी और आई इंडिकेटिव एनएवी का कॉन्सेप्ट तो इसीलिए ईटीएफ का इंट्रोडक्शन हुआ जब ईटीएफ आए तो सबसे पहले जिन म्यूचुअल फंड्स का ईटीएफ रिलीज हुआ था दोज म्यूचुअल फंड्स आर वर इंडेक्स म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडेक्स फंड ही ईटीएफ होते हैं या सारे इंडेक्स फंड ईटीएफ होते हैं या सारे ईटीएफ सिर्फ इंडेक्स फंड ही होते हैं समझ रहे हो आप ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर वो इंडेक्स फंड है तो ईटीएफ होगा ही होगा या ईटीएफ है तो इंडेक्स फंड होगा ही होगा एक इंडेक्स फंड हो सकता है ऐसा कोई इंडेक्स फंड हो जिसका ईटीएफ मार्केट में ट्रेड नहीं करता हो हो सकता है ऐसा कोई ईटीएफ हो जो इंडेक्स फंड का ईटीएफ ना हो जैसे अगर आपको पता नहीं आपको ये चीज मालूम है या नहीं है बट चांदी का ईटीएफ आ चुका है मार्केट में सिल्वर ईटीएफ आ चुका है वो कॉपर जिंक का भी लेके आने की तैयारी में कर रहे हैं बहुत सारे म्यूचुअल पी का ईटीएफ है मफांग का ईटीएफ है एस एन पी फाइव हंड्रेड एफ टी एस सी के अंदर अगर आपको इन्वेस्ट करना है थ्रू थ्रूटीएफ तो वो भी ईटीएफ है इनफैक्ट ETFs इतनी बड़ी इंडस्ट्री है भाई यूएस में यूएस में ETF इतनी बड़ी इंडस्ट्री है दैट देर इज दिस कंपनी नेम एज वैन गार्ड वेनगार्ड असेट मैनेजमेंट इसका मेजोरिटी असेट मैनेजमेंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ, और सिर्फ ETFs में होता है ठीक है अब देखो आपको याद है अपन ने वो फ्री ट्रेड की बात करी थी समझना ये चीज मुझे लिंगडिन पे मिली ऋषि आर करके एक यूजर है ठीक है मैंने उनको पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है इसका ठीक है ये उन्हीं का स्क्रीन है जो मैं यूज कर रहा हूं सो so, हाई ऋषि ठीक है एंड आई एम यूजिंग योर स्क्रीन शॉट आई एम गिविंग यू द क्रेडिट नाउ अंडरस्टैंड ये क्या हुआ पता है सडनली देखा कि मेरा जो निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स फंडेड आईसीआईसी प्रोडेंशियल का वो सुबह सुबह पचास परसेंट डाउन है तो इसका मतलब अरे ये क्या हो गया अगर इंडेक्स निफ्टी फिफ्टी फंड पचास परसेंट डाउन है तो इसका मतलब क्या निफ्टी भी पचास परसेंट डाउन होगा क्योंकि निफ्टी ही तो अंडरलाइंग है निफ्टी फिफ्टी फंड की हां कि नहीं यस और नो बट क्या ऐसा एक्चुअल में हुआ था क्या नहीं हुआ तो इस ट्रेड को अगर ऐसा होता है तो इस ट्रेड से क्या आप डर के माल बेच दोगे क्या दुनिया खत्म हो गई नहीं दिस इज जस्ट अ फ्री ट्रेड सी एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये सब चीजें आपको रियल लाइफ में दिखती रहेंगी अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया अगले वीडियो के पहले मैं एग्जाम्पल लेके आया आपके सामने अभी हुआ अप्रैल मंथ में शायद दो दिन पुरानी पोस्ट है एक दिन पुरानी पोस्ट है समझ रहे हो आप आईसी प्रोडेंशियल के साथ ही चीज हुई ना सर थोड़ा सा समझना ठीक है और प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस सर मुझे ये बताओ बाकी सब चीजें ठीक है ये जो उतना भी आपने बताया ना वो ठीक है बट इस प्रोग्राम की इस सीरीज की कोर आत्मा क्या है मतलब व्हाट इज द द स्पाइनल कॉर्ड और द सेंटर पॉइंट और द नर्वस सिस्टम ऑफ दिस एंटायर म्यूचुअल फंड सीरीज दैट इज टू इनेबल यू टू असेस द म्यूचुअल फंड्स समझिए अब जब मैं किसी भी फाइनेंशियल असेट का एनालिसिस करता हूं तो दो अप्रोचेस से होता है या तो होता है बॉटम अप अप्रोच बॉटम अप अप्रोच मतलब क्या होता है कि मैंने कंपनी का एनालिसिस करा फिर मैं सेक्टर का एनालिसिस करा फिर मैंने मार्केट्स का एनालिसिस करा फिर मैंने इकोनॉमिक एनालिसिस करा फिर मैंने ग्लोबल इकोनॉमिक एनालिसिस करा दूसरा होता है टॉप डाउन अप्रोच कि सबसे पहले मैंने ग्लोबल इकोनॉमी पढ़ा फिर इंडियन इकोनॉमी पढ़ा फिर इंडियन मार्केट्स पढ़ा इक्विटी मार्केट्स पढ़ा फिर मैंने सेक्टर पढ़ा फिर मैंने कंपनी पढ़ा मैनेजमेंट पढ़ा उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े, ये सब चीजें करी तो ये जो तो, आपने सुना होगा कई बार सुना होगा टॉप डाउन वर्सेस बॉटम अप्रोच राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ टॉप डाउन अप्रोच वर्सेस अ बॉटम अप्रोच है ना ये चीजें आप लोगों ने बहुत फ्रीक्वेंटली सुनी होगी नाउ जब आप म्यूचुअल फंड के बारे में समझते हो तो आपको ये जानना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड में इस तरह की टर्मिनोलॉजीज एग्जिस्ट नहीं करती ठीक है थीके? इस तरह की टर्मिनोलॉजीज डू नॉट एग्जिस्ट इन म्यूचुअल फंड मार्केट्स ऐसा क्यों होता है तो सर क्या म्यूचुअल फंड का एनालिसिस करना और कंपनी का एनालिसिस करना स्टॉक का एनालिसिस करना बहुत अलग अलग है क्या दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है मैं फिर रिपीट करता हूं बोथ आर ऑरेंज एंड और एप्पल दोनों बिल्कुल अलग है दोनों की अप्रोच अलग है माइंडसेट और अलग है आप एक एवरेज बच्चे को मैं मेरे एक एवरेज स्टूडेंट को जो सिर्फ ग्रेजुएशन किया हुआ है जिसने अभी सी ए लेवल वन दिया क्लियर नहीं हुआ सर स्कॉलरशिप नहीं लगी समझ नहीं आ रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं ठीक है आप ऐसे स्टूडेंट को सुनिए छ महीने की एक प्रॉपर ट्रेनिंग देके सारे कंप्लाइंसेस पूरे करके एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हो जिससे वो अपना लाइवलीहुड अर्न कर लेगा और वो कस्टमर्स के लिए वैल्यू भी क्रिएट करेगा बट उसके अगेंस्ट में आप एक नॉर्मल बच्चे को छह महीने में इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट नहीं बना सकते मैं ये बोल रहा हूं वो एंट्री कर लेगा बट वो इंडिपेंडेंट इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट नहीं बन पाएगा एक इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट बनने के लिए सालों की तपस्या लगती है मैं अभी हम लोग हमारे इक्विटी रिसर्च कोट अभी लॉन्च कर रहे हैं नेक्स्ट वीक लॉन्च होगा ठीक है तो उसके अंदर भी मैं ये चीज़ बोलता हूं बार बार कि रिसर्च एनालिस्ट जो होता है ना इट इज़ अ प्रोफाइल जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व होता है आप धीरे धीरे चीजें सीखते हो जब मार्केट में वो चीज़ें घटना घटती है तब तो आप सीखते हो बहुत कॉम्प्लिकेटेड जर्नी है ठीक है कॉम्प्लीट डेफिनेटली आई ट्राई टू मेक इट वेरी इजी फॉर यू कि आप एक स्टेप इन कर लो उसके अंदर आसानी से बट अगेन ठीक है एंड दैट इज वाई वी एव कम अप कोवर्ट ऑल द टाइम बट म्यूचुअल फंड करना इट्स वेरी इजी ठीक है तो आप ऐसा मत समझना कि जो लेवल ऑफ थोरोनेस जो लेवल ऑफ रिसर्च मेरे को कंपनी में लगती है वो लेवल ऑफ रिसर्च मेरे को म्यूचुअल फंड में लगेगी और स्टॉक पिक करना डिफिकल्ट है तभी तो मैंने एक फीस पे करके फंड मैनेजर को हायर किया है तभी तो मैं डायरेक्ट इन्वेस्टिंग नहीं कर रहा हूं मार्केट में मैं मार्केट में इनडिरेक्टली मौजूद हूं ठीक है ना क्या हम डायरेक्टली म्यूचुअल फंड का एनालिसिस शुरू कर दे क्या आपको सोचना पड़ेगा जैसे नहीं सर आपने तो बोला अभी कि टॉप डाउन बॉटम अप करके कुछ होता नहीं मैंने बोला नहीं होता कोई प्रॉब्लम नहीं और मैं मैं आपको बता रहा हूं मैं प्री म्यूचुअल फंड एनालिसिस कवर भी नहीं करूंगा लेकिन कोई एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे आपको कन्वे करना जरूरी है देखो यार क्या होता है ना जब आप लोग फिनेंस प्रोफेशनल बनते हो ठीक है भले ही आप किसी कॉर्पोरेट में काम करो आप इंडिपेंडेंटली काम करो आप यू नो लोगों के लिए लोगों को एडवाइजरी देने का तक का काम कर दो आपको ये चीज एक्नोलेज करनी पड़ेगी कि योर रोल कम्स विथ अलॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप सोचिए आपकी एक आवाज पे आपकी एक आवाज पे एक 40 साल का मिड करियर प्रोफेशनल अपनी पूरी सेविंग किसी एक इंस्ट्रूमेंट में लगाने म्यूचुअल फंड्स में लगाने को तैयार है आपकी एक आवाज पे जिसको हो सकता है अगले 10 साल में अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे की जरूरत पड़े आपके पास 60 ईयर ओल्ड एक जेंटलमैन आ रहे हैं जेंटल वेमेन आ रही हैं और वो बोल रही हैं कि मैं अभी अभी रिटायर हुई, हुई बेटा ये मेरे को पांच करोड़ या तीन करोड़ या दो करोड़ या एक करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड पी के मिले मैं कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ आप बोल रहे हो और वो इन्वेस्ट कर रहे हैं आप समझ रहे हो द काइंड ऑफ ट्रस्ट दे आर पुटिंग ऑन यू अगर आपके ऊपर कोई इतना ट्रस्ट करता है कि वो अपनी लाइफ की सेविंग वो अपने जीवन की आखिरी पाई आपके बोलने पे कहीं इन्वेस्ट कर रहा है और इस ट्रस्ट को आप मेंटेन करके रखते हुए आप अगर उनकी लाइफ में कोई वैल्यू क्रिएट कर पा रहे हो डेफिनेटली यू विल बी क्रिएटिंग मॉनेटरी वैल्यू ओनली तो कंसिडर योर सेल्फ एज यू आर ब्लेस्ड बाय द गॉड ठीक है नाउ तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जब भी किसी को म्यूचुअल फंड की कोई एडवाइजरी देते हैं ठीक है कुछ भी हम एडवाइस करेंगे तो हम डिरेक्टली म्यूचुअल फंड के असेसमेंट पे नहीं पहुंच जाएंगे आपको पर्सनलाइज एडवाइजरी देनी पड़ेगी एक साठ साल का व्यक्ति आएगा तो आप उसको कोई अलग म्यूचुअल फंड बताओगे एक फोर्टी ईयर्स ओल्ड आएगा तो उसको अलग बताओगे एक ट्वेंटी वन ईयर ओल्ड आएगा तो उसको बिल्कुल अलग तरीके से स्ट्रैटेजी बनेगी अपन वो समझेंगे डोंट वरी अबाउट इट ठीक है मेरे को पता है बहुत सारे फिनेस इन्फ्लुएंसर्स इस पे कई वीडियोज बना चुके हैं आप लोगों ने शायद देखे भी हों मैं थोड़ा झिझक भी रहा था देखो मैं स्टूडेंट टीचर टॉक कर रहा हूँ आपसे मैं थोड़ा झिझक भी रहा था इस सीरीज को लेके आने में कि यार ऑलरेडी इतने लोगों ने पढ़ा दिया इतने लोगों ने बना दिया है मतलब वुड आई बी एबल टू क्रिएट एनी वैल्यू आई डोंट नो मैंने कोई वैल्यू एडिशन करा है कि नहीं करा है बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट तो जब कोई मेरे पे इतना ट्रस्ट लगता है कि वो अपनी जीवन की लास्ट इनकम मेरे को देने तैयार है ठीक है मेरे बोलने पे लगाने तैयार है तो मुझे है ना उसकी रिस्क प्रोफाइलिंग समझनी चाहिए अब ये थोड़ा सा आप अंडरस्टैंडिंग करना रिस्क प्रोफाइलिंग का मतलब ये होता है कि यार अगर ज्यादा उम्र दराज है सिक्सटी ईयर ओल्ड है ना तो यार सिर्फ ट्वेंटी परसेंट पैसे इक्विटी में डालो समझ रहे हो आप बाकी बड़ा पैसा गवर्नमेंट डेट में डालो थोड़ा पैसा कॉर्पोरेट डेट में डाल दो थोड़ा बहुत पैसा गोल्ड में डाल दो वहीं पर ही अगर ये बंदा फोर्टी ईयर्स ओल्ड है तो चलो एक काम करते हैं अभी भी टाइम है कि सिक्सटी अपन इक्विटीज में रखते हैं और फोर्टी डेट में रखते हैं अगेन दिस कुड गो वेरी डिफरेंट ये जो मैंने आपको प्रपोर्शन बता रहा हूं ये कोई फाइनल बेंच मार्किंग नहीं है ठीक है गिव मी मिनट टू हैव नॉट कटिंग इट ये रेशोस ये अलोकेशन आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितना पैसा किस असेट क्लास में लगाना है ठीक है और ये पीरियड ऑफ टाइम आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा प्राइम मोटिवेट अलोकेशन करना सिखाऊ हमें यह देखना है कि वॉट ऑल आई नीड टू सी इन अ म्यूचुअल फंड कि मुझे म्यूचुअल फंड के अंदर क्या क्या चीजें देखनी होती है वेन आई एम असिंग की चलो मैं एक मिनट के लिए समझता हूं कि आपने रिस्क प्रोफाइलिंग एकदम दुरुस्त करके रखी है यू you नो know कि आपके कस्टमर की क्या रिस्क प्रोफाइल है यू you नो know कि हां मैं इतना पैसा असेट में इतना पैसा इक्विटी में इतना डेट में इतना गोल्ड में डालूंगा नाओ जब आपको पता है कि आप इतना पैसा इक्विटी में डालोगे तो आप अभी उस पोजीशन पे खड़े हो मेरे लिए जब मैं यहां से आगे लेके जा रहा हूं चीजों को तो ठीक है तो अब मैं आपको यह बताऊंगा कि हम इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर क्या क्या चीजें देखेंगे ये इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है मैं आपको फिर बताता हूं ये पूरा अगले सेशन में ही कवर होगा अभी मैं आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि देखो अपने को इन इन चीजों को डेप्थ में पढ़ना है डेप्थ में समझना है डेप्थ में रिसर्च एनालिसिस करना है म्यूचुअल फंड का तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि मेरे म्यूचुअल फंड ने हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कैसी दी आपको समझना पड़ेगा इक्विटी स्टॉक मार्केट की रिसर्च या स्टॉक रिसर्च इज डिफिकल्ट बिकॉज वहां पर आपको कंपनी की फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करना पड़ता है फोरकास्ट करना पड़ता है ना यू आर बेटिंग ऑन द फ्यूचर ऑफ द कंपनी कि यह कंपनी फ्यूचर में अच्छा बिजनेस करेगी तब मेरे शेयर का भाव आज से डबल होगा म्यूचुअल फंड में क्या होता है आप ये देखते हो कि जो फंड मैनेजर है इसने हिस्टोरिकली कितने अच्छे रिटर्न कमाके दिए आप ये बात समझ लो ठीक है अपन इस पर डिस्कस करेंगे डिटेल में डिस्कस करेंगे डोंट वरी रिटर्न्स जब मैं देखूंगा तो वो रिटर्न में देखूंगा कि मुझे कितने वेराइटी के रिटर्न होते हैं वो रिटर्न में बायस कैसे क्रिएट होता है मुझे कितना पीछे हिस्ट्री में जाके रिटर्न देखना चाहिए जो नए फंड हैं जिनकी एक्सटेंडेड हिस्ट्री नहीं है उनके केस में मैं क्या करूंगा जैसे मुझे पता है आप सब लोगों की आंखों का तारा इस समय हम सब की आंखों का तारा क्वांट्स म्यूचुअल फंड हमारा है ना टेंट टेंट डह दिस इज नॉट प्रमोशन एट ऑल मेरे को पता है भाई मेजोरिटी लोग जो आप मेरा वीडियो देख रहे हो अगर आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया होगा तो आप लोगों ने क्वॉन्ट्स में पैसा लगाया ठीक है मतलब दिख रहा है ना समझ में आता है यार जो उसके एयूएम तीन गुना बढ़ गया है मतलब एक साल में ये क्या होता है दो इट्स थर्टी फोर्थ थर्टी फिफ्थ इन टर्म्स ऑफ एयूएम अभी भी पैंतीसवें नंबर पर है क्वॉन्ट्स से एम सी म्यूचुअल फंड के नाम पे नाउ हम देखेंगे कि हमारी हिस्ट्री कैसी है फिर मैं देखूंगा कि मेरा जो पैसा मैनेज कर रहा है मुंडा ठीक है ये मुंडा कौन है ठीक है ये क्या करता है इसने पहले क्या काम करा है इसकी क्वालिफिकेशन क्या है पूरा चीर फाड़ करेंगे आप समझ लेना आपको सौ करोड़ रुपए किसी के हाथ में देना है उसके पहले आप बंदे की क्या क्या इंक्वायरी निकाल सकते हो जो आपके पास पब्लिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो सब इंक्वायरी आपको इसके बारे में निकालनी है ठीक है ये कितने टाइम से म्यूचुअल फंड में है इसके आने के बाद म्यूचुअल फंड पे क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है कि नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है ठीक है विल ट्राई and we'll understand and we'll make it completely you know completely completely easy for you don't worry. मैं वही बोल रहा हूँ hu main isko के अंदर खत्म तो नहीं करूंगा आपको चिल्लाना है तो आप चिल्लाओ आपको जो लिखना है कमेंट में लिखो कि छोटे छोटे chote ले ले लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है मेरा कहीं कमिटमेंट मैंने और भी दे रखे हैं बट आई एम एब्सोल्यूटली कमिटेड कि मैं आप लोगों की लाइफ में वैल्यू डिलीवर करूँ ही करूँ राइट एंड आई एम नॉट आस्किंग एनी इन दिस रिटर्न कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है आप अच्छे से करो यार अपने पेरेंट्स के पैसे को ढंग से मैनेज करना सीख जाओ आगे आप खुद के पैसे को ढंग से मैनेज करना सीख जाओ आई फील दैट क्योंकि मैं देखता हूँ यार बंदे वैल्यूएशन में काम कर रहे हैं इक्विटी रिसर्च में काम कर रहे हैं ठीक है सी एफ ए है लेवल थ्री है बोले सर लेकिन हमको प्रैक्टिकली थोड़ा ना पता है पैसा मैनेज कैसे करना बता रहा हूँ ठीक है मैं ये देखूंगा कि मेरी जो म्यूचुअल फंड है उसमें और कितने लोगों ने कितना पैसा लगा रखा है आप समझना ये जो ना कि एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है ये कम हो तो भी प्रॉब्लमेटिक है ठीक है ज्यादा हो तो भी प्रॉब्लमेटिक हो ये एक स्वीट स्पॉट में होनी चाहिए तो आप अपन समझेंगे कि स्वीट स्पॉट क्या होता है फिर उसके बाद इन लोगों ने जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है इसने मेरा पैसा इन्वेस्ट कहां किया हुआ है ठीक है वेयर दे हैव इन्वेस्टेड आवर मनी कहां पर इन्वेस्ट किया है हमारा पैसा तो उसको देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि अगर मैं दो म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर रहा हूं तो उसमें स्टॉक ओवरलैपिंग हो रही है ठीक है ये सब चीजें अपने को समझनी है फिर ये जो फंड हाउस मेरे को पूरी सर्विस दे रहा है इसके लिए वो मुझे कितना चार्ज कर रहा है इसमें अपन एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे अपन एक्चुअली में समझेंगे दैट हाउ द कंपाउंडिंग हिट मतलब कैसे कंपाउंडिंग हिट होती है जस्ट बिकॉज आपको लगता है जीरो पॉइंट थ्री फाइव परसेंट की फीस है आपको लगता है जीरो पॉइंट सेवन फाइव परसेंट की फीस है बट वो एक परसेंट आधे परसेंट की फीस कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है ठीक है वो अपन समझेंगे और अपन एक्सेल में करके देखेंगे डोंट वरी मैं कोशिश कर रहा हूं कि म्यूचुअल फंड के लिए अपने को किसी भी स्क्रीनर स्क्रीनर पर रिलाई ना करना पड़े अपन डिरेक्टली सोर्स डेटा लें एम से डेटा उठाओ और एनालाइज कर दो साले म्यूचुअल फंड को ठीक है ऐसा कुछ कोशिश कर रहे हैं करने की देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता ठीक है।, है फिर सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरे पैसे में रिस्क कितनी है क्या सर म्यूचुअल फंड में भी रिस्क होती है देखो यार जहां रिटर्न मिल रहा है ना वहां पर रिस्क है जहां इश्क है वहां रिस्क है या जहां रिस्क है वहां इश्क है आपको जैसा समझना है अपने लिए रिवॉर्ड इश्क है रिस्क रिस्क है ठीक है तो जहां पर रिटर्न मिल रहा है वहां पर रिस्क तो लगेगी लगेगी मिलेगी मिलेगी नाउ ये रिस्क मैं कैसे मेजर करता हूं सर मैंने सुना है कोई रेशोज होते हैं सोल्टिनो रेशो शार्प रेशो ट्रेनर्स रेशो मुझे पता नहीं है मैंने पढ़े हैं ठीक है बट कभी उसका प्रैक्टिकल यूसेज करके नहीं देखा है आज तक तो वो अपन समझ लेंगे वो अपन सीख लेंगे आप लोगों को मैं बताऊंगा कि क्योंकि म्यूचुअल फंड तो एक पोर्टफोलियो है ना तो अपन ये सीखेंगे कि मैं पोर्टफोलियो पे क्या क्या एनालिसिस रन कर सकता हूँ मैं पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकता हूँ क्या मैं उस पर और क्या क्या स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस रन कर सकता हूं मैं पोर्टफोलियो का बीटा कैसे निकालूंगा मैं क्योंकि मेरा एंड गोल तो अब ये है बॉस मैंने थोड़ा सा इसके अंदर और इम्प्लीमेंट है चेंज करा है मेरा एंड गोल तो ये है कि मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप म्यूचुअल फंड को कैसे डेप्थ में एनालिसिस कर सकते हो खुद से ठीक है और एकदम सिंप्लीफाइड टर्म्स में अपने को लिखना है एकदम सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखेंगे डोंट वरी ठीक है सो आई होप आप लोगों को मेरा काम अभी तक बहुत अच्छा लगा होगा ठीक है Uh, कल सुबह मतलब 11 बजे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है ठीक है हमारा एक अच्छा अनाउंसमेंट है संडे को सुबह 11 बजे आप लोग सब जरूर देखना एंड uh, मुझे बताना मुझे मिलना आप अगर मेरे साथ और ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो और अच्छा पढ़ना चाहते हो तो और लंबे समय तक पढ़ना चाहते हो तो तब तक के लिए अच्छा आज मैंने लाइक कमेंट और सब्सक्राइब का बोला ही नहीं है वैसे चलो देख लेते हैं नहीं बोलते हैं तो कितना आता है मत करना कोई भी ना कोई लाइक करेगा ना कोई कमेंट करेगा और जो पहली बार देख रहा है वो सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी नहीं करेगा ठीक है दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ